नमस्कार, मैं स्टाफनर्स कविता सेक्टर 6 पंचकुला। एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट करते हुए मैं खुद इन्फेक्टेड हो गई। 30 मार्च को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और कल 9 तारीख को मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो इन 9 दिनों के बीच में जो मैंने अनुभव लिया, इन दिनों में जो मैंने जिन दिक्कतों को झेला या जो जो मुश्किलें सामने आई, मुझे लगता है कि अगर हम उन चीज़ों को एक हथियार के तौर पर यूज़ करें तो हम इस बीमारी से काफ़ी लड़ सकते हैं। सबसे पहली बात, रिजेक्शन, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो गए हैं किसी भी कारण से, तो खुद को अपनी नज़रों में ना गिराएं। दूसरा, समाज का पूरा सहयोग होना चाहिए, आपके स्टाफ का सहयोग होना चाहिए, आपके परिवार का सहयोग होना चाहिए। तीसरी बात, मजबूत इच्छा शक्ति, विल पावर हमेशा स्ट्रांग रखिए। ये सोचिए कि ये एक नॉर्मल फ्लू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्ट्रांग विल पावर रखिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आप बहुत जल्दी इससे उबर जाएंगे। चौथी बात, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अच्छा खाइए पिए, अच्छा सोचिए, नकारात्मकता से दूर रहिए। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि शारीरिक तौर पर तो हमको इस बीमारी से लड़ना ही है, साथ ही साथ भावनात्मक रूप से भी हमें बहुत मजबूत बनना है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। एक दूसरे का सहयोग करें, खुद की सेफ्टी के साथ साथ दूसरे की सेफ्टी का भी ध्यान रखें। कहा भी गया है कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो इसी दृढ़ निश्चय के साथ हरियाणा से कोरोना को हराना है, इसे भारत से भगाना है। जय हिंद, जय भारत।